दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि फोन पे से मोबाइल रिचार्ज कैसे करें। जी हां दोस्तों, अगर आप भी फोन पे अकाउंट से अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी भी नंबर पर रिचार्ज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। सो गाइस इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं सब कुछ स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ कि फ़ोन पे से अपने मोबाइल फ़ोन में या किसी भी नंबर पर घर बैठे रिचार्ज कैसे करते हैं। सो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक पावरटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मैसेज आपको हमेशा मिलती रहे। एंड इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, नहीं तो बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। सो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसे कि मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ और गाइस फोन पे से मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको सिंपली आपको अपने फोन पे अकाउंट को ओपन कर लेना है, फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओके, देन आपको इसमें नीचे आना है। इसमें नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मोबाइल रिचार्ज का, ठीक है। उसके बगल में डीटीएच इलेक्ट्रिसिटी का भी, यहाँ से बिल आप पे कर सकते हैं। तो हमें इसमें मोबाइल रिचार्ज करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको मोबाइल रिचार्ज पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप किसी भी कंपनी के सिम पर आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि अपना जिस भी नंबर पे आपको रिचार्ज करना है उसका यहाँ पे नंबर फिल कर देना है, ठीक है। आप VI पे भी कर सकते हैं और एयरटेल जियो जिस भी कंपनी का सिम है आप यहां से रिचार्ज कर सकते हैं, ऑफ़र के साथ भी रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अपना एक नंबर डालता हूं आपको बताने के लिए, ठीक है। नंबर डालने के बाद से आपको यहां पे डन पे क्लिक कर देना है। देन आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है। देन कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो आपको इसमें ऑफ़र देख लेना है। पहले ऑफ़र वाले अगर रिचार्ज करना चाहते हैं तो ऑफ़र वाले कर लेना, अगर ऑफ़र वाला नहीं करना चाहते हैं तो आपको इसमें अमाउंट फिल करके भी यहां से रिचार्ज कर सकते हैं। ऑफ़र में आप देख सकते हैं कि इसमें 479 का है, 455 का है, 359 का है, 299 का है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपको 299 वाला रिचार्ज करना है, ठीक है। तो इसमें रिचार्ज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। ओके, देन ये कुछ ऐसा इस ओपन हो जाएगा। तो अभी तो मेरे इस सिम में रिचार्ज है तो मैं आपको बस बताने के लिए ऐसा मतलब बना रहा हूँ, मैं रिचार्ज अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। रिचार्ज करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे रिचार्ज वाले बटन पे क्लिक करना है और ऊपर जो इसमें दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं कि एयरटेल प्रीपेड और यहाँ पर स्टेट के नेम रहेगा बिहार झारखंड, ठीक है। तो आपको फ़ोन पे वैलेट में अगर बैलेंस है आपके तो यहाँ से वैलेट पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वैलेट में बैलेंस नहीं है, अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट अकाउंट से रिचार्ज करना तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ओके, क्लिक करने के बाद से देन आप यहाँ पे रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ से ये आपका पिन मांगेगा, आपको यहाँ पर पिन फिल कर देना है। पिन फिल करने के बाद से आपको वेरीफाई कर देना है। आपको जस्ट 2 सेकेंड जिस भी कंपनी का सिम होगा उसमें रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो भी अमाउंट यहाँ पे शो करेगा, 299 यहाँ पे शो कर रहा है अभी मेरे को, ठीक है, उतना ही बैलेंस आपका काटेगा, एक पैसा भी आपसे यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं काट सकता, ठीक है। तो इसमें ये फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं काटता ये, है ना। और बाकी आप ऑफ़र में चाहें तो ऑफ़र से भी रिचार्ज कर सकते हैं, वो भी मतलब अच्छा होता है, इंटरनेशनल ऑफ़र भी होता है, टॉक टाइम का भी होता है। सो गाइस देख सकते हैं कि किसी भी सिम में आप फ़ोन पे से कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड पावरटेक चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं गाइस कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो।